देखिए, ये विपक्ष लगातार लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो सपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ कोर्ट के इंटरवेन करने से, जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुलकर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। कांग्रेस के बैठक में भाई कितने पे लड़ेंगे? आज पूरे देश के सामने है, जिस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आज जिस तरह SBI को डांटना पड़ा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, और लगभग 30 कंपनीज के नाम आए हैं, जिसमें 14 कंपनीज ऐसी है जिसपे CBI और IT के छापे पड़ने के बाद अधिकतर ने भाजपा को वोट चंदा दिया है। ये चंदा नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चंदा दो धंधा पाओ और आप टेंडर लो कमीशन दो, ये आज पूरा देश देख रहा है कि हजारों हजारों करोड़ रुपए आज भाजपा ने जिस भ्रष्टाचार में लिए हैं वो पूरे देश के सामने आ चुके हैं। तो इसका खामियाजा 2024 में NDA को सत्ता से विमुक्त कर पूरा देश। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट